नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप। YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे दोस्तों हमारा चैनल टेक्निकल चैनल है, जिसके अंदर हम टेक्निकल वीडियोस अपलोड करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं, फ्रेशर्स के लिए भी करते हैं, टेक्नीशियंस के लिए भी करते हैं, या जो एक्सपर्ट लेवल के हैं उन टेक्नीशियंस के लिए भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अभी तक हम 150 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो अगर देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आपको इन्वर्टर से रिलेटेड, स्टेबलाइजर से रिलेटेड या होम अप्लाइंस जो होते हैं उनके रिपेयरिंग के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी वीडियोज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर हमें एसी करंट को मेजर करना है तो हम सीटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। और अगर हमें डीसी करंट को मेजर करना है तो दोस्तों हम यूज़ करते हैं शंट रेजिस्टेंस को। तो आज का जो वीडियो है वो शंट रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों हम व्हाइट बोर्ड पे इसको डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको इसको विजुलाइज करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक शंट है जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। अगर हमें इसको यूज़ करना हो तो इसको हम जिस मर्जी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, वैसे ही इसकी भी कोई पोलैरिटी नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार इसको सर्किट में लगा दिया और इसकी सेंसिंग उठा के हमने इसको कैलिब्रेट कर दिया, उसके बाद अगर हम इसकी ये जो दो सेंसिंग लगती हैं, ये देखिए यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पर इसकी दो सेंसिंग वायर निकलती हैं, तो इन सेंसिंग वायर को अगर हम स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और आपने DPM यानी कि डिजिटल पैनल मीटर यूज़ किया है, तो वो आपकी डायरेक्शन उल्टी दिखाएगा, यानी कि पहले पॉजिटिव दिखाता था, अगर चेंज करने के बाद वो नेगेटिव एम्पेयर दिखाएगा आपको। सिंपली इतना ही फ़र्क आता है, बाकी इसकी डायरेक्शन होती नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस की नहीं होती है। अब ये कॉपर से बनाया होता है, क्योंकि इसको बड़ा प्रिसाइज इसको रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बड़ी प्रिसाइज हो और लो रेजिस्टेंस हो, वो हम व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। अभी इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये एक रेटिंग लिखी होती है 200 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट। ये हो सकता है कि 100 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट भी हो, या 200 एम्पीयर 35 वोल्ट, मतलब कि मिली वोल्ट ये जो आपका दिखाया हुआ है, ये 200 एम्पीयर और 75 मिली वोल्ट को ही अभी हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हम नहीं करेंगे। ये अलग रेटिंग भी हो सकती है, अगर आपको 100 एम्पीयर का चाहिए तो 100 एम्पीयर का भी मार्केट में मिल जाता है, उसकी रेटिंग अलग मिलेगी। 100 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट भी हो सकता है, या 100 एम्पीयर 35 मिली वोल्ट भी हो सकता है, वो अलग अलग रेटिंग इनकी मार्केट में आती है, कि आपको इसके अंदर से करंट को कितना ड्रॉ करवाना है। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पर चल के डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ये विजुअली दिखा दिया है कि ये शंट आपका डीसी को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, एसी करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीटी का, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। डीसी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं शंट का, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे काम नहीं करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वेरी नहीं हो पाता है, तो डीसी को मेजर करने के लिए हम शंट का इस्तेमाल करते हैं। शंट बेसिकली एक लो रेजिस्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ। शंट जो है लो रेजिस्टेंस, शंट का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस मैं कहूँगा इसको, मिली ओम से भी काफ़ी कम होता है। दो नंबर, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये आपका, ये जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशेंट काफ़ी कम होना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर कोफिशेंट। लो टेम्परेचर कोफिशेंट होना चाहिए जिस मटेरियल से ये शंट रेजिस्टेंस बना होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अंदर टॉलरेंस ना के बराबर हो, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इसका जो वैल्यू है वो काफ़ी प्रिसाइज हो, जिससे इसकी वेरिएशन नहीं होने की वजह से हमारे रीडिंग के अंदर वेरिएशन नहीं आएगी। काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी लो होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो ये प्रिसाइज होना चाहिए रेजिस्टेंस। दोस्तों अब हम बेसिक सर्किट से लेकर चलते हैं डीसी को मेजरमेंट करने का, और फिर उसके अंदर शंट का जो है अप्लाई करेंगे शंट को। ये मेरे पास कोई डीसी सोर्स है, ये लोड रेजिस्टेंस है, एम्पीयर मीटर इसके सीरीज में लगता है, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ये आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, ये एम्पीयर मीटर है, एम्पीयर मीटर जो है हमारा हमेशा सीरीज में लगता है अगर हमें करंट को मेजर करना हो।
लेकिन अब हमें करंट को ज़्यादा मेजर करना है, 100 एम्पीयर 150 एम्पीयर करंट मेजर करना है और उसको डिस्प्ले पे भी करना है, यानी कि डिजिटल पैनल मीटर यूज़ करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे DPM, डिजिटल पैनल मीटर, जिसके अंदर एक सर्किटरी लगी होती है, माइक्रो कंट्रोलर भी इसके अंदर होता है। अब ये क्या करेंगे, इसको सीरीज में लगाने के बजाय एक ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि ज़्यादा करंट हम रीड नहीं कर पाएंगे और डिस्प्ले भी स्टडी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, तो उसका क्या ऑप्शन है कि ये जो हमारा एम्पीयर मीटर है डिजिटल, इसके पैरेलल में एक कंपोनेंट यूज करते हैं जिसको हम संट बोलते हैं, संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। संट का मतलब ही होता है पैरेलल, टू संट का मतलब हुआ टू फॉलो अनदर पाथ, यानी कि एक दूसरा पाथ जो है इस मीटर के लिए दूसरा पाथ हो गया ये, और ये हमने यहाँ पे एक संट लगा दिया, इसको मैं लिख देता हूँ आर संट, यानी कि संट रेजिस्टेंस, ये संट का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस यहाँ से वोल्टेज लेंगे हम और वो दे देंगे DPM को, डिजिटल पैनल मीटर को। इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है तो काफ़ी कम वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, वो मिली वोल्ट में होती है, वो हमारे DPM को जाती है। DPM के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होता है जो उसको वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, मिली वोल्ट से वोल्ट में वो कन्वर्ट करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको माइक्रो कंट्रोलर जो है रीड करेगा और डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर देगा। अब इसके अंदर इंटरनली क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपका जो है, हम मान लेते हैं कि नेगेटिव ग्राउंड है, अब यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर हमने लगभग 5 वोल्ट के आसपास तक मैक्सिमम मैंने उसकी रीडिंग को लेके जाना है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट से ज़्यादा काम नहीं करता है, तो +5 वोल्ट ही इसकी VCC रखेंगे। ये आपका ग्राउंड हो गया और ये आपका ग्राउंड हो गया, उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। ये रेजिस्टेंस जो होता है फीडबैक रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं डिवाइडर का। अब क्या है कि हमारा जो सिग्नल है वो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जाएगा, वो उसको एम्पलीफाई करके यहाँ डिस्प्ले करेगा। मान लेते हैं ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, सिर्फ समझाने के एंगल से ये एम्पलीफायर मैंने बेसिक सा बना दिया यहाँ पे, हालांकि सर्किट के अंदर जो है इनकी वैल्यू वगैरह और सब कुछ और सर्किटरी ऐड होती है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है, यहाँ पे जो सिग्नल है हमारा वो मिली वोल्ट में है, वो मिली वोल्ट में क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। ये मान लेते हैं 1 मिली वोल्ट है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और माइक्रो कंट्रोलर इसको एक्यूरेसी से रीड नहीं कर पाएगा, वो 1.5 वोल्ट या आधा वोल्ट भी रीड कर लेता है। अब हम क्या करेंगे, 1 मिली वोल्ट को 1 वोल्ट में इसने एम्पलीफाई कर दिया, 1 मिली वोल्ट था, एम्पलीफाई करके 1 वोल्ट कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पे 2 मिली वोल्ट है, तो यहाँ पे उसको एम्पलीफाई करके 2 वोल्ट दे देगा, तो माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आएगा 1 वोल्ट का मतलब इतना एम्पीयर और 2 वोल्ट का मतलब इतना एम्पीयर, क्योंकि जितना एम्पीयर जाएगा उसी हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब मैं और एक्यूरेसी से समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको तो यहीं पर रहने देता हूँ। जो संट है हमारा उसके ऊपर लिखा हुआ था 200 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट, उस संट के ऊपर लिखा हुआ था, रेटिंग लिखी हुई थी 200 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट, यानी कि अगर उसके अंदर 200 एम्पीयर उस करंट उसके अंदर से फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 75 मिली वोल्ट आएगी। कितनी आएगी, 75 मिली वोल्ट, कब आएगी, जब 200 एम्पीयर उसके अंदर से करंट जाएगा, उसके अंदर से 200 एम्पीयर करंट गया तो 75 मिली वोल्ट आएगी, और 100 एम्पीयर गया तो 75 का आधा हो जाएगा, वो आपका मिली वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप आएगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस संट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, 75 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 200 एम्पीयर, यानी कि 0.375 मिली ओम। वो जो संट रेजिस्टेंस है हमारा 200 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट का, उसका रेजिस्टेंस कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ, 0.375 मिली ओम। ये कितना कम है, मिली ओम, वो भी कितना, 0.375 मिली ओम, यानी कि काफ़ी कम रेजिस्टेंस इसका होता है, जिसकी वजह से जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी काफ़ी कम होती है मिली वोल्ट, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा
तो इस लोड को भी वोल्टेज पूरी नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगी और लोड को वोल्टेज कम मिल पाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए शंट रेजिस्टेंस का। 0.375 मिली ओम हमारा रेजिस्टेंस निकला है, 200 एम्पीयर 75 मिली वोल्ट का अगर हमारे पास शंट रेजिस्टेंस है तो उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, 200 एम्पीयर पे 75 मिली वोल्ट ड्रॉप पड़ेगा, उसको एम्पलीफाई करके हम माइक्रो कंट्रोलर को दे देते हैं और आगे उसको माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पैनल मीटर पे डिस्प्ले भी करता है और जितना भी उसको एक्टिविटी करनी है, लो कट हाई कट चार्जिंग को बंद करना है या कुछ भी करना है वो आगे अपने ऑपरेट कर सकता है जो भी आपको करना है। अब इसके बाद और डिटेल में स्टडी करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हम लेंगे तो उसका क्या ड्रॉबैक रहेगा वो भी देखते हैं। मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो 1 ओम का मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस है, अम्पेयर कितना है इसके क्रॉस 100 एम्पेयर मान लेते हैं, फ्लो करता है 100 एम्पेयर इधर से गया और 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी वी इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 100 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम यानी कि 100 वोल्ट, जितनी वोल्ट हम इधर से देंगे उसमें से 100 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी तो लोड को कुछ मिलेगी नहीं, तो लोड प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा और ये हीट भी हो जाएगा क्योंकि करंट भी ज़्यादा है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसके क्रॉस जो है पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी, हीट भी होगा खराब भी हो जाएगा, किसी भी तरीके से ये एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम जो है रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही कम रखा जाता है सेंट रेजिस्टेंस के अंदर ताकि इसके अंदर से जो भी जितना भी मिली वोल्ट आए उसको हम एम्पलीफाई करके आगे उसको रीड कर लेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ऑब्स्टेकल ना बने हमारे लोड के अक्रॉस लोड के सीरीज में ऑब्स्टेकल ही बनना चाहिए, सिंपली हमने इसको रीड करना है। तो ये संट का बेसिक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, कभी मौका लगेगा तो संट के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस करके उसका करंट भी हम जो है मेजर करके प्रैक्टिकल भी उसके ऊपर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल या अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो करे। थैंक यू।